नकलची पानी पूरी वाला। मध्य प्रदेश में नर्मदा के किनारे बसा है गोटे गांव, जो नाम से तो गांव प्रतीत होता है पर है ये गांव से कुछ बड़ा। यहाँ अनोखे लाल नाम का एक व्यक्ति रहता था जो गांव के एक उद्यान के पास ही पानी पूरी बेचता था। उसकी पानी पूरी पूरे गांव में मशहूर थी। लोग जब शाम के समय बगीचे में घूमने आते तो अनोखे लाल की पानी पूरी जरूर खाते। अनोखे लाल की पानी पूरी का खट्टा मीठा पानी बच्चों को भी बहुत भाता था। खेलने और घूमने के बाद बच्चे भी अनोखे की पानी पूरी खाए बिना घर ना जाते। शाम के समय तो उसके ठेले पर पानी पूरी खाने के लिए नंबर लगाना पड़ता। आओ आओ, पानी पूरी खाओ, पानी पूरी खाओ, मस्त हो जाओ। 5 की 3, 10 में 1 मुफ्त। जल्दी आओ, जल्दी आओ, खा के हो जाओ चुस्त। अनोखे लाल जैसा नाम, करता है वैसे ही अनोखा हर काम। अरे भाई वाह, क्या स्वादिष्ट पानी पूरी है। अरे अनोखे के हाथ में तो जादू है जादू, ऐसी पानी पूरी आसपास में कहीं नहीं मिलेगी। अंकल अंकल, मुझे भी पानी पूरी खानी है। हाँ हाँ, अरे बेटा तुमको भी मिलेगी, बताओ कितने की चाहिए। अंकल हम दोनों को 10 रुपया की पानी पूरी खिला दो, बच्चों वाले पानी की। हाँ अंकल। अरे भाई अनोखे, यह बच्चों वाला पानी कैसा है। भैया जी, बच्चों का पानी खट्टा मीठा होने के साथ साथ कम मिर्ची वाला है। अरे तो फिर बूढ़ों के लिए भी अलग से बनाते हो क्या पानी। सब हंसते लगते हैं। एक दिन अनोखे का मित्र मोहन, जो पास के शहर में ही रहता था, अपने बेटे के चौके का न्योता देने गांव आया। अरे यार मित्र अनोखे, अम्मा की तबीयत खराब होने के कारण तुम मेरी शादी में नहीं आ पाए थे, पर इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, बेटे की चौक में तुम्हें आना ही होगा, हैं? और हाँ, भाभी को लाना मत भूलना। अरे हाँ हाँ मित्र, इस बार जरूर आऊंगा। बहुत दिन से तुम्हारी भाभी भी शहर घूमने के लिए कह रही थी, एक पंत दो काज हो जाएंगे। अनोखे की पत्नी शांति स्वभाव से भी बड़ी शांत थी। वो घर पर पानी पूरी बनाने में अनोखे की मदद करती। अरे सुनती हो, शहर से मोहन आया था बेटे के चौक का न्योता देने। तो क्या आप शहर जाएंगे। नहीं, हम दोनों ही जाएंगे, उसने तुम्हें भी साथ लाने को कहा है। 4 दिन बाद दोनों शहर पहुंचते हैं। सभी आपस में मिलकर बड़े खुश होते हैं। सभी लोग पूरे दिन कार्यक्रम एंजॉय करते हैं। कार्यक्रम के दौरान अनोखे की भेंट मोहन के एक मित्र गीसुराम से होती है, जिनकी अपनी मिठाई और नाश्ते की दुकान है। मोहन उन्हें अनोखे लाल और उसकी फेमस पानी पूरी के बारे में बताता है। अरे भाई अनोखे लाल, तारीफ तो बहुत सुन ली तुम्हारी पानी पूरी की, अब टेस्ट कब करवा रहे हो। हाँ हाँ क्यों नहीं, कल शाम को आ जाओ, हम सभी अनोखे के हाथ की पानी पूरी खाएंगे। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर अनोखे और शांति पानी पूरी तैयार कर देते हैं और शहर घूमने निकल जाते हैं। घूमते घूमते शांति और अनोखे को भूख लगने लगती है। अब मुझसे नहीं चला जा रहा, बहुत ही भूख लगी है। चलो पहले कुछ खा लेते हैं फिर घूमेंगे। दोनों एक होटल में जाते हैं, वहाँ छोले भटूरे और पानी पूरी का ऑर्डर देते हैं। जैसे ही पानी पूरी खाते हैं, छे कैसे पानी पूरी है, हमने सोचा अपने हाथ की पानी पूरी तो हमेशा खाते हैं, आज बाहर की खाकर देखते हैं, पर ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं। हाँ, इसका टेस्ट तो बहुत खराब है। वे पानी पूरी की प्लेट डस्टबिन में डाल देते हैं और काउंटर पर रुपए देने लगते हैं। पानी पूरी की एक प्लेट की कीमत 40 रुपए सुनकर अनोखे दंग रह जाता है, पर क्या करे, देने तो पड़ेंगे ही। देर शाम को वे दोनों मोहन के घर पहुंचते हैं। अनोखे बैठो, कैसा लगा शहर। अनोखे मोहन को दिन भर की बातें बताने लगता है और इतने में आ जाता है घीसुराम। अरे भाई, हमारी पानी पूरी तैयार है या नहीं। जी बिल्कुल तैयार है। शांति घीसुराम जी के लिए पानी पूरी लगाती है। अरे वाह, क्या गोलगप्पे हैं, ऐसे गोलगप्पे और इतना स्वादिष्ट पानी तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया है। जितनी तारीफ मोहन ने की थी, यह तो उससे भी ज्यादा टेस्टी है। पेट भरने को है पर मन नहीं भर रहा है। गोलगप्पे खाने के बाद
अरे पूरे जबलपुर में इतने टेस्टी गोलगप्पे कहीं नहीं मिलेंगे। मेरी मानो तो तुम गांव छोड़ यहां शहर में आकर गोलगप्पे बेचने लगो। अरे क्यों बेचारे से मजाक कर रहे हो? अरे मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। मेरा कचोरी समोसे का जो नाश्ता घर है ना, उसके बाहर ही यह अपना पानी पूरी का ठेला लगा ले, दोनों को फायदा होगा। सोच विचार कर लो। फिर मिलेंगे कहकर घीसूराम जी चले जाते हैं। अनोखे को रात भर नींद नहीं आई। उसके दिमाग में भी शहर में बसने का विचार घर कर गया। तुम क्या कहती हो, क्या हमें घीसूराम जी का ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए? इसी बहाने शहर में अच्छे से सेटल हो जाएंगे। वहाँ गांव में तो कुछ भी नहीं रखा है। जैसा आपके मन को ठीक लगे वैसा कीजिए, मगर क्या है ना, गांव में जितनी आपकी पानी पूरी फेमस है उतनी यहाँ भी हो पाएगी का? अरे जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा। मेरा मन है कि एक बार मोहन से बात कर लेता हूँ। अरे अनोखे क्या बात है, इतनी सुबह सुबह परेशान दिख रहे हो। मोहन, तुम्हारे मित्र किशोर के आइडिया के बारे में सोच रहा था, इस बारे में तुम क्या कहते हो? मुझे तो लगता है कि घीसूराम का आइडिया बुरा नहीं है। कल हमने मार्केट में पानी पूरी खाई थी, बिल्कुल अच्छी नहीं थी। सो यहाँ काम जम भी जाएगा, हैं? क्या कहते हो? मोहन और शांति से विचार विमर्श करने के बाद अनोखे शहर में रहने का मन बना लेता है। अनोखे घीसूराम की दुकान के बाहर अपना ठेला लगाने लगता है। यहाँ आने वाले सभी को उसके गोलगप्पे बहुत पसंद आते हैं। धीरे धीरे उसके ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगती है। अनोखे पानी पूरी के अलग अलग फ्लेवर के पानी बनाना चालू कर देता है। आलू और मटर के अलावा वो स्प्राउट भर पौष्टिक गोलगप्पे भी बेचने लगा, जो लोगों को बड़े पसंद आए। अनोखे का तो काम चल पड़ा। उसने अपनी खुद की नई रेड़ी भी ले ली। सब कुछ मजे से चल रहा था। पर क्या करे, आदमी की नीयत बदलते देर नहीं लगती। शहरी चकाचौन से अनोखे भी अछूता ना रहा। ज्यादा पैसे कमाने के लालच में उसने दूसरे गोलगप्पे वालों की बातों में आकर अपने गोलगप्पों के दाम बढ़ा दिए और सामान की क्वालिटी गिरा दी। बाजार से तैयार सामान लेने लगा, जिसमें उसे कम मेहनत पर ज्यादा मुनाफा नजर आता है। पर कुछ ही दिनों में उसके ग्राहकों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। शांति, आजकल अपनी दुकान पर पहले जैसे ग्राहक ही नहीं रही, धंधा मंदा हो गया है। इतने बड़े शहर में कम कमाई में खर्च निकालना संभव नहीं है। शांति अनोखे की लालची और नकल की प्रवृत्ति से अनजान थी। वो भी अपने पति के लिए परेशान हो गई, मगर पति को सांत्वना देने लगी। अरे अब परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। इतने में वहां मोहन आ जाता है। अरे आओ आओ मोहन, बड़े दिनों बाद आना हुआ। हाँ, जरा काम में उलझ गया था। और सुनाओ, तुम्हारे क्या हाल चाल है, काम धंधा कैसे चल रहा है? काम धंधा तो चौपट होने को है। ए, क्या बात कर रहे हो, अरे तुम्हारा काम तो अच्छा चल रहा था, फिर यह सब कैसे हो गया? पता नहीं, किसी की बुरी नजर लग गई। अरे जरा मुझे तो खिलाओ अपने गोलगप्पे। अनोखे मोहन को पानी पूरी खिलाता है। अरे अनोखे, अरे ये तो तुम्हारी पानी पूरी का टेस्ट नहीं है, अरे इसमें तो कुछ गड़बड़ है। ना कुल्फी में टेस्ट है, ना पानी में जायका, तुमने कुछ मिलावट की है क्या? हाँ, सबकी देखा देखी मैंने भी हल्के तेल और रेडीमेड सामान से गोलगप्पे बनाना शुरू कर दिए। मुझे लगा इससे मुनाफा ज्यादा होगा, पर सब कुछ उल्टा हो गया। तुमने गलत किया और दोष दूसरों की नजरों को दे रहे हो, हैं? अरे तुम दूसरों की देखा देखी छोड़ अपने काम पर ध्यान दो। जैसे गोलगप्पे तुम पहले बनाते थे वैसे ही अब भी बनाओ। मुनाफे की मात्रा नहीं, माल की गुणवत्ता पर ध्यान दो, सब ठीक हो जाएगा। तुम सही कह रहे हो, मैंने अपनी असली पहचान खोकर दूसरों की देखा देखी कर नकली माल बेचना शुरू कर दिया, जिसका परिणाम सामने है। मैं कल से ही अपनी गलती सुधार कर फिर से पहले जैसे गोलगप्पे बनाऊंगा। दूसरे दिन से अनोखे ने अच्छी किस्म के सामान के साथ गोलगप्पे बनाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते कुछ दिनों में उसका काम
फिर से पहले जैसा चल निकला। अंत भला तो सब भला।